हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दी नॉलेज अड्डा। हमने अपनी वाराणसी की सीरीज में वाराणसी से संबंधित लगभग सभी बातों को आपके साथ शेयर किया है और आज इसी सीरीज को एंड करते हुए हम बात करेंगे यहाँ की फेमस पर्सनैलिटीज के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। झांसी की रानी, इनका जन्म 19 नवंबर 1828 को और मृत्यु 18 जून 1858 में हुई थी। इन्होंने 1857 के विद्रोह में एक अहम भूमिका निभाई थी और इनका विवाह नेवलकर वंश के राजा गंगाधर राव नेवलकर से हुआ था। विभूति नारायण सिंह, इनका जन्म 5 नवंबर 1927 को और मृत्यु 25 दिसंबर 2000 को हुई थी। ये काशी राज्य के अंतिम भूमिहार ब्राह्मण राजा थे। देवकी नंदन खत्री, इनका जन्म 18 जून 1861 में और मृत्यु 1 अगस्त 1913 में हुई थी। इन्होंने ऐतिहासिक काल्पनिक उपन्यास चंद्रकांता लिखा था। बिस्मिल्ला खान, इनका जन्म 21 मार्च 1914 में और मृत्यु 21 अगस्त 2006 में हुई थी। इन्हें शहनाई में महारत हासिल थी। इन्हें 2001 में भारत रत्न, 1961 में पद्मश्री और 1968 में पद्म भूषण जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। गिरिजा देवी, इनका जन्म 8 मई 1929 और मृत्यु 24 अक्टूबर 2017 में हुई। ये एक शास्त्रीय गायिका थी और इन्होंने ठुमरी को उसकी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इन्हें 1972 में पद्मश्री, 1979 में पद्म भूषण, 2016 में पद्म विभूषण जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। संजय राजा राम, इनका जन्म 1943 में और मृत्यु 17 जनवरी 2021 में हुई थी। ये एक मैक्सिकन वैज्ञानिक थे। 2014 में इन्होंने विश्व खाद्य पुरस्कार को जीता था। उन्हें यह पुरस्कार 51 देशों में जारी 480 गेहूं की किस्मों को विकसित करने के उनके वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए दिया गया था। आकांक्षा सिंह, इनका जन्म 7 दिसंबर 1989 में हुआ था। ये भारत की महिला राष्ट्रीय बास्केटबॉल टीम की कैप्टन है जो कि 2004 से राष्ट्रीय टीम के लिए खेल रही हैं। संपूर्णानंद, इनका जन्म 1 जनवरी 1891 में और मृत्यु 10 जनवरी 1969 में हुई थी। इन्होंने 1954 से 1960 तक उत्तर प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। ये संस्कृत और हिंदी के विद्वान गोविंद बल्लभ पंत के उत्तराधिकारी बने। दयाल सिंह मंजीठिया, इनका जन्म 1848 में और मृत्यु 1898 में हुई थी। ये एक बैंकर और पंजाब में प्रगतिशील और सामाजिक सुधार उपायों में सक्रिय कार्यकर्ता थे। नरसिंह पंचम यादव, इनका जन्म 6 अगस्त 1989 में हुआ था। ये इंडियन रेसलर हैं जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में मेंस फ्री स्टाइल 74 केजी कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता था। तो फ्रेंड्स, वाराणसी से जुड़ी इस वीडियो के साथ अपनी वाराणसी की सीरीज को हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक वाराणसी की सीरीज को नहीं देखा है तो उस सीरीज को भी ज़रूर देख लीजिएगा। और मेरे चैनल पर ऐसे ही सीरीज चलती रहती हैं तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरी सीरीज के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।